जैसे आप जानते हैं कि नवंबर में भी इसका ट्रायल किया था, ट्रायल के बाद परमिशन के लिए अटकी हुई थी, अब इसकी परमिशन भी मिल गई है। तो इसमें यही रहेगा कि आज हमने इसको ट्रायल के बेस पे पैरा मोटर ग्लाइडर और पैरा सेलिंग दोनों एक्टिविटी हमने यहाँ पे शुरू करवाई है। उम्मीद करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं इस पुर्थू में, बसोली में, वो इसका पूरे का पूरा आनंद ले सकें। इसमें ऐसा है, ये जो लोकल जो हमारा जो इसका उड़ाने वाला है पायलट है, ये हमारे सांदर विले का है, ये लोकल है। तो इससे बात हुई है, ये एक और जो पैरा मोटर जो उसकी ग्लाइडर है वो एक और इनके पास अवेलेबल है, थोड़े दिनों में वो भी यहाँ पर लाएंगे। इसमें ये बता दें कि स्वदेश दर्शन 2 में अब एक्टिविटी, इसमें आइडेंटिफिकेशन कौन कौन सा एरिया आना था, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर एक स्टेट में एक एक डेस्टिनेशन उन्होंने उठाई है। तो हमारी इस बसोली में ये जो रणजीत सागर डैम है, ये डेस्टिनेशन है। तो इसमें अब आने वाले समय में अब इसकी मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन इसको जो रूप होगा वो अभी आने वाले समय में दिया जाएगा। तो हमारी फूड बैन है, ये भी यहाँ पर काम कर रही है। सबसे बड़ी इसमें मुश्किल ये है कि ये जो एरिया हमारा है, ये इसका उन्होंने लैंड कंपनसेशन दिया हुआ है। जब ये पानी में इसमें हमारे इस एरिया में पानी भर जाता है, तो तब ये जहाँ पे कोई भी ना टूरिस्ट आता है ना जहाँ पे किसी को लोग करते हैं, लेकिन जब जैसे पानी नीचे, पानी का लेवल नीचे उतरता है, तो वो यहाँ पे लोग आते जाते हैं और टूरिस्ट यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। रही बात टूरिज्म की, तो अभी ये एरिया पूरा आप जानते हो कि जब पानी बढ़ता है तो ये पूरा एरिया पानी में समर्ज हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ताकि कुछ इसमें ऐसा हमारा एरिया है जो पानी के बाहर रहता है, उसके लिए अभी टूरिज्म की तरफ से एक रोड निकाला गया है, ताकि जो हमारे व्यू पॉइंट बने हैं जहाँ सोलर लाइट का भी लगाई है, वहाँ तक लोग पहुँच सकें। और कल ही हमारी एक ये बसोली जो है, इसमें रणजीत सागर डैम पे जो है वाटर स्पोर्ट्स के बारे में प्रदीप हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग है, उसमें भी मुझे उम्मीद है कि वो इसको पूरा एक रूपांतर दे देंगे। अब उम्मीद ऐसे हम यही करेंगे कि आने वाले समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे आएंगे वो पैरा ग्लाइडर और पैरा सेलिंग का भरपूर आनंद लेंगे। सर ये पैरा ग्लाइडिंग तो पहले आपको पता ही, जैसे ट्रायल किया था मैंने, तो उसके बाद राजस्थान चला गया था, तो अभी परमिशन बनी है तो हम यहाँ फ्लाइंग के लिए आए हैं। अभी ये मिनी गोवा बसोली, तो हम जहाँ भी कंटिन्यू चलेगा ये। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? फीचर इसमें पैरामोटर ही है सर ये, और इसमें वैसे लाइफ जैकेट भी देंगे हम, क्योंकि रणजीत सागर डैम का है, तो हम पैरा इसके जो भी पैसेंजर बैठेगा वो साथ में जो लाइफ गार्ड जो क्या बोलते हैं इसकी जैकेट भी डाल लगा के फ्लाइंग करेंगे हम। तो चार्जिंग कह रहे हैं? चार्जिंग तो इसका नाम कम जो 3000 से कम तो नहीं हो पाएगा एक ट्रिप का। तो ट्रिप भी हम 8 से 10 मिनट का करेंगे सर। तो इसकी हाइट की बात करें तो हाइट सर ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा कि यदि कस्टमर जितना चाहेगा उतना हम लेके जाएंगे। कम फ्लाइंग कम हाइट में भी हम उसको फ्लाइंग कराएंगे। यदि ज़्यादा चाहेगा कि हम मेरे को ज़्यादा ऊपर जाना है तो तभी हम 500 फीट तक 600 फीट तक तो ले जाएंगे। इसकी सेफ्टी की बात करें सर? सेफ्टी सर ये इसका सेफ्टी तो यही है, अभी ग्लाइडर ही है इसका, ग्लाइडर जब तक ओपन है तो हम इसको विंड के हिसाब से उड़ाते हैं। इसकी नॉर्मल विंड में ही इसको उड़ाते हैं, स्ट्रांग विंड होती है तो हम इसको नहीं उड़ाते हैं। ये मौसम के ऊपर ही डिपेंड करता है इसका, जैसे वेदर के ऊपर रहता है, वेदर अच्छा है तो हम उड़ाएंगे, जब वेदर अच्छा नहीं है तो नहीं उड़ाएंगे। घट्टा थोड़ा नहीं बस कर।